मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि बहुत भारी पब्लिक डिमांड पे आज हम बनाने जा रहे हैं फिश टिक्का, या मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि ऐसी फिश टिक्का रेसिपी है जो आपको रेस्टोरेंट जैसा फिश टिक्का देगी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो पाँच 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 फिश टिक्के वाली सीक्रेट्स, लेकिन वो सब झूठ होगा। सच ये है कि मेरा मन कर रहा है फिश टिक्का बनाने का, इसलिए फिश टिक्का बनाते हैं म्यूजिक के बाद। ठीक है जी, कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, आज हम बनाएंगे फिश टिक्का। फिश टिक्का बनाने के लिए आपको चाहिए फिश। तो जी अभी अभी मुझे खबर मिली है कि आज मछली मार्केट बंद था, है, वरना वो साबुत फिले मंगवाया जाता है फिर उससे कटवाया जाता है तो मज़ा आता। अभी क्योंकि मछली मार्केट बंद था तो इसलिए बुरा ना मानिएगा, सुपर मार्केट से आई है। सुपर मार्केट में रेडीमेड कटा हुआ टिक्का था, मेरे साइज़ के हिसाब से थोड़ा छोटा है। अगर आप कटवा रहे हैं या खुद काट रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ये बहुत ही बेबी टिक्का है। ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने सोच रखा है, मैं इसको स्क्यूअर कर दूंगा, डंडी वंडी पर डाल दूंगा तो दिखने में बड़ा लगेगा, थोड़ा शिमला मिर्च और प्याज वगैरह भर दूंगा तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपनी मछली खुद लाएँ और कम से कम नहीं तो इतना बड़ा फिश टिक्का काटें, कम से कम नहीं तो इतना बड़ा। क्या ना, मछली ऊपर से पकती, अंदर जूसी रहनी चाहिए, जूसी रहने के लिए चंकीनेस हैवीनेस ज़रूरी है टिक्के में। ठीक है, देखिए मैं आपसे ये भी कह सकता था कि आज हमारी मछली वाली जो है वो बीमार हो गई, मैं ये भी कह सकता था कि आज हमारी मछली वाली नहीं आई, मैं ये भी कह सकता था कि आज सब्जी मंडी वालों में और मछली मंडी वालों में लड़ाई हो गई। मैंने साफ साफ कह दिया कि देखो जी नहीं है वो वाली मछली, अब सुपर मार्केट से मिली है तो सुपर मार्केट जैसी होगी ना, क्यूट एंड छोटी। तो जी सबसे पहले दो काम करने, ये जो हमारी बेबी टिक्का है हमारा, इस बेबी टिक्का को अदरक लहसुन का पानी लगाना है, पेस्ट नहीं पानी, और लगाना है नमक, और अदरक लहसुन का पानी लगा के छोड़ देना है। चाहे तो थोड़ा नींबू भी लगा सकते हैं, बट फिश बहुत डेलिकेट होती है तो इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, चिकन की तरह नहीं छोड़ना कि दो घंटे छोड़ दिया, उतने में तो पक जाएगी मच्छी, मच्छी बहुत नाजुक होती है, इसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। उस फिश को ओवर मैरिनेट नहीं करते। फिश टिक्का का जो मैरिनेशन है ना वो दो किस्म से बन सकता है, एक बनता है दही के साथ, और जो लोग कहते हैं कि दही के साथ मछली नहीं खाई जाती उनको मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ गो टू बंगाल, जहाँ पे दोई माछ इज़ अ क्लासिक, उड़ीसा के कई हिस्सों में दही और मछली साथ में पकाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि दही और मछली नहीं खाई जाती, दूध और मछली की बात मैं फिर भी लॉजिकली मान सकता हूँ, दही और मछली का मेल है। तो एनीवेज एक मैरिनेशन बनता है दही बेस और दूसरा मैरिनेशन बनता है तेल बेस, ज़्यादातर इंग्रेडिएंट सेम जाते हैं, एक में बेस तेल होता है और एक में बेस दही होता है, हम बनाएंगे दही वाला। ठीक है, देखिए एज कम्पेयर टू अ चिकन टिक्का मैरिनेशन, फिश टिक्का का जो मैरिनेशन है वो बहुत माइल्ड रहता है। मछली के फ्लेवर्स जो हैं वो बाहर आने चाहिए, इसलिए बाहर के फ्लेवर्स बहुत बेसिक होने चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, क्योंकि दही खट्टी होती है इसलिए मेरे को नींबू डालने की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं। तो ये दही जो है थोड़ा टंगा हुआ है, टंगे हुआ दही जो है वो ज़्यादातर तंदूरी मैरिनेशन में इस्तेमाल होता है, और इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि जब वो मीट के साथ मिक्स होता है तो मीट अपना पानी छोड़ता है, तो दही वैसे भी पतला होता है, इसलिए टंगा हुआ दही हमेशा तंदूरी मैरिनेशन में, खासतौर नॉन वेज तंदूरी मैरिनेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, सब वरना आप जो है वो पतला वाला दही यूज करते हैं, आप बनाने जाते फिश टिक्का, बन जाता फिश रायता, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था ना कहीं टंगा हुआ दही यूज करना है। फिलहाल हरी मिर्च चॉप कर लो जी, बारीक 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 बारीक, और बीज निकाल दिए, यानी कि फ्रेशनेस चाहिए शार्पनेस नहीं। बारीक चॉप पुदीना, मछली, पुदीना, मिर्ची, नींबू, ये जो है ये ताजगी वाले एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। सी अगर आप रेस्टोरेंट में बनाएंगे ना तो आप ये सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, और उसका कारण क्या है कि मैरिनेशन एक बार बनता है फिर 3-4 दिन चलता है तो उसमें ताज़ी चीज़ें जो हैं वो एक तो काली हो जाती हैं, दूसरा ख़राब हो जाती हैं, इसके लिए वहाँ पर सूखा पुदीना, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। जब आप घर पर बना रहे हैं तो यू कैन ऐड दोज फ्रेश एलिमेंट्स, बिकॉज आप
तीन दिन तो नहीं रखेंगे ना मैरिनेशन को, तभी के तभी इस्तेमाल कर लेंगे या फिर सुबह मैरिनेट करेंगे शाम को इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर ये ताज़ी चीज़ें डालना फ़ायदेमंद है। ठीक है, कितने अच्छे समझा रहा हूँ आज मैं। ओहो, तो जी मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी से वो चेन्नई स्पाइसेस, थोड़ा सा दक्षिण भारतीय टच, और हमारा फिश 65 जो है वो रेडी। ठीक, कहाँ गया कड़ी पत्ता? नहीं, मैं देख रहा था कि भाई सब लोग जो हैं वो अभी भी हैं मेरे साथ या बीच में चैनल कोई चेंज हो गया है? है ऐसा होता है ना अक्सर कि एक वीडियो इस इधर चल रहा है, दूसरे विंडो पे दूसरा वीडियो चल रहा है, और पता लगा बनाने चले कुछ बन गया कुछ। डन, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से ज़्यादा ही हो गए, इतनी बातें करी मैंने। तो अब ये गई फिश। दही अपना खट्टा था इसलिए मैं लेमन जूस अभी नहीं डाल रहा हूँ, आप डालना चाहें डाल सकते हैं अगर दही खट्टा ना हो, वरना ऊपर से तो मैं स्प्रिंकल करूँगा ही, वो फ्रेशनेस तो चाहिए ही चाहिए, लेमन की फ्रेशनेस मछली के साथ बहुत ज़रूरी है। एक साइड में जो कोयला जलने के लिए रख देता हूँ, तंदूरी फिश आफ्टर ऑल। अब इसमें चाहे तो दही वाला मैरिनेशन कर दीजिए, लेकिन आप दही वाला मैरिनेशन करेंगे तो दही हर चीज़ को ढक लेगी और पता नहीं चलेगा कौन सा रेड बेल पेपर है, कौन सा ग्रीन बेल पेपर है, कौन सा प्याज है, इसलिए हम ऑयल वाला मैरिनेशन करेंगे जिसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा लेमन जूस और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये अभी क्या है, काम भी हो जाएगा और मैरिनेशन भी नहीं ढकेगा अपनी सब्जी को। याद रखिए कि दही जो है वो मच्छी को बहुत जल्दी गलाएगा, इसलिए दही डाल के फिश को नहीं छोड़ना, ये चिकन टिक्का नहीं है जी, है ना, कि बस एक बार मैरिनेट कर दिया और उसके बाद कोई बात नहीं, एक घंटे का 1.5 घंटा भी हो गया तो चलेगा, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर फिश का। कोई भी एसिड है वो मीट को क्योर कर देगा, मतलब मीट को एक तरह से पका देगा, और दही में लैक्टोज से लैक्टिक एसिड जो है वो बन चुका होता है। ठीक है ना, यानी कि मछली उस एसिड से पक जाएगी, और जब आप उसको डालेंगे तवे पे तो वो भुरभुरा के गिर जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बाकी अभी बहुत सिंपल, फिश भी रेडी है, पैन भी रेडी है, तेल डाला जाएगा और सिकाई हो जाएगी बस। जब तो तेल गर्म हो रहा है ना, एक स्पेशल मसाला बना लेता हूँ मैं, इसका नाम है जी फिश मसाला। है अमचूर, लाल मिर्च, 2 पैसा हींग, हींग पता ही ना चले किसी को, वैसी हींग कहाँ गया, हाँ, भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च, ठोके, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी कसूरी मेथी। ठीक है जी, ये है जी हमारा फिश मसाला। कभी भी कुक करता हूँ ना मैं, तो एक साइड से उसको ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेता हूँ, क्योंकि एक साइड से कई बारी वो हम मिस करते हैं ना क्रस्ट, जो साइड ज़्यादा पकी होगी आपको लगेगा कि जली है, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको वो टेक्सचर देगी, हलवा नहीं लगेगी मच्छी। अभी जो दही है ना, दही यानी कि जो फैट है वो धुएँ का फ्लेवर खींच रहा है मछली के अंदर के, मैरिनेशन का दही, मैरिनेशन का ऑयल, वो धुएं के अंदर का फ्लेवर खींच रहा है। बेसिकली ऑयल जो है वो फ्लेवर कैरियर है, चाहे आप तड़का मार रहे हो चाहे आप ऐसे धुंगार दे रहे हो, इसलिए खाने में चर्बी ज़रूरी, फैट ज़रूरी, ज़्यादा नहीं कम ही सही बट ज़रूरी।
आ गई जी, जितनी धुएं की खुशबू आनी थी आ गई। Nice. It's nice and juicy. और धुएं की खुशबू। तो फिश को सेकने के बाद फिश मसाला उसके ऊपर स्प्रिंकल हमने कर दिया। अब जो लच्छा प्याज काटा हुआ है ना उसके ऊपर भी यही मसाला लगा लेते हैं। इट्स एक्सट्रीमली टेस्टी। और मेरा प्रिय मित्र धनिया। अब मैं खुश हूं। अब मैं इनसे आपको मिलवा सकता हूं। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरार और इनसे मिलिए। ये हैं हमारे फिश टिक्के जो कि फिश मार्केट से नहीं सुपर मार्केट से आए हैं, लेकिन आपको इसी बहाने रेसिपी पता चल गई। ठीक है जी, ठीक है, गॉड ब्लेस और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।